हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो अभी मॉर्निंग का टाइम है, अभी मैं चाय बना रही हूँ। और चाय का टाइम है तो फिर चाय ही बनेंगी ना। हाँ, एग्जैक्टली। सो गाइस, आज मैंने कुछ सोचा नहीं था। मैंने सोचा कि छोटा सा व्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मेरा व्लॉग आया नहीं है, तो व्लॉग लाना ज़रूरी है मेरे को। और ब्रैंड कॉलेब होता है तो नवंबर में मेरे को अपडेट देनी होती है इस वजह से। सो गाइज, अभी यहाँ पे मेरी ब्लैक टी रेडी है, आप देख सकते हो। मैं ब्लैक टी ही पीती हूँ विद इलायची। इलायची ऐसा ज़रूरी नहीं है, कभी कभी डाल देती हूँ। तो मैं आपके घर आऊँ तो मुझे ब्लैक टी ज़रूर देना, दूध वाली चाय बिल्कुल मत देना, ठीक है। सो लेट्स वैसे मैं स्वीट नान लेके आई थी और ब्राउन ब्रेड लेके भी आई थी, बट अभी जो है ना वाइट ब्रेड बचा हुआ है। ये मैंने नीचे से ही मंगवाया था, तो होम डिलीवरी कर देता है। तो नीचे ही बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ से मैं ये सब मंगवा लेती हूँ, खाने पीने की चीज़ें। और अंडे वगैरह भी मंगवाया था, क्योंकि अभी मेरा बाहर जाना ज़्यादा होता नहीं है, तो इस वजह से। तो अभी मैं ब्रेड थोड़े से वॉर्म कर लेती हूँ, और मैं अंडा ब्रेड एवरीडे लेती हूँ अपने ब्रेकफास्ट में, और कभी कभी स्किप कर देती हूँ। और मैं ज़्यादा राइस प्रिपेयर करती हूँ, मतलब राइस खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। रोटी से मेरे को इतना मतलब सुकून नहीं मिलता है, तो मैं राइस ही खाती हूँ आजकल। बहुत ज़्यादा राइस खाती हूँ, पहले मैं रोटी सिर्फ रोटी खाती थी। तो मैं थोड़ा मेयोनीज स्वाद अनुसार लूँगी, बिकॉज मैं ना नमक ना मिर्च कुछ भी नहीं अब डालती हूँ अंडे में। सो मैं मेयोनीज बहुत ज़्यादा खाती हूँ। आई डोंट नो क्या क्या खाती रहती हूँ मैं। सब खाना वाना सब कुछ चेंज हो गया है, मेरा डाइट पूरा प्लान की ढचिया हो गई। कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ अभी, बट फिलहाल ठीक ठाक है वेट। अभी इतना ज़्यादा भी नहीं, इतना कम भी नहीं है, इतना तो चलता है। नॉर्मली वेट तो होना ही चाहिए, अदरवाइज़ फिर बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील होता है इस वजह से। तो ये है मेरी आज की मॉर्निंग रूटीन। और इसके बाद मेरे को ना थोड़ा बनाना वगैरह भी लेना होता है, मतलब कभी कभी लेती हूँ। बनाना इज़ नॉट रेगुलर, मैं सुबह में ऐसा नहीं है कि
एवरीडे खाती ही खाती हूँ, बट कभी कभी खा लेती हूँ, ठीक ठाक है। कभी पड़ा होता है घर में, यू नो आप भी कभी घर में चीज़ें फ्रूट फ्रूट पड़ा होता है तो खा लेते हैं, नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, ऐसा है। फ्रूट का ऐसा नहीं है कि चाहिए ही चाहिए, बट हाँ मेरे को अंडा ब्रेड चाहिए ही चाहिए, ऐसा है। गाइस मैंने थोड़ी बहुत घर की क्लीनिंग की, साफ़ सफाई की, इसके बाद मैंने नहाया और नहा के अभी फ्री हो गया, आपके सामने बैठी हुई हूँ। अब हम करेंगे स्किन रूटीन, जैसे कि मैंने फेस वॉश वगैरह तो कर लिया है, अब जस्ट बाकी रह गया है तो मेरी डे क्रीम। मेरे आई डोंट नो, ये आईज में ना बहुत ज्यादा आईज लिक्विड है। मैं आपको दिखाऊँ, मैंने आज बिरयानी बनाई है, बट कैसी पता है, सिंपल सी। जैसे कि पहले मैंने आई डोंट नो क्या से क्या किया है, आपको क्या बताऊँ मैं। आपको दिखाती हूँ, है ना, बिरयानी बनाई है वो मजेदार सी। सो गाइस मैं आपको दिखाऊं मैंने कैसी बिरयानी बनाई है, इतना देखा बहुत मस्त है, वैसे कुछ गलत नहीं है, पर सो गाइज मैंने ना
कल जामफल और पता नहीं मैं बामफल वगैरह लेके आई थी, और आज मैंने ना उसके साथ मतलब 50 रुपीस के 30 रुपीस के 500 ग्राम जामफल थे, तो मैंने 500 ग्राम लिए। और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बोला कि वो सिंगोरे टाइप नहीं होता, तो ब्लैक जैसे अंदर से वाइट निकलता है वो वाला ले लो आप 20 रुपीस का, तो 50 रुपीस हो जाए वन टाइम, तो हमको खुला देना ना पड़े। तो कोई नहीं यार, ठेले वालों से ऐसे भी लेना ले लेना चाहिए जो मतलब उनकी बकरी होती है, ठीक है तो ठीक है मैंने ले लिया। और हाँ गाइस, कभी भी बार्गेनिंग भी मैं इतना नहीं करती हूँ ठेले वालों से। अपने मॉल में वगैरह में जाते हैं तब तो कुछ नहीं बोलते हैं, जितना अपना बिल होता है, बिल वगैरह होता है अपने दे के निकल जाते हैं। तो ठेले वालों से क्यों यार इतना बार्गेनिंग करना, उनका भी तो पेट पलना चाहिए ना, फिर उनको भी थोड़ा बहुत मुनाफा होना चाहिए ना, इसलिए मैं इतना ज़्यादा उनसे बहस नहीं करती हूँ। तो मैं कल गई थी मार्केट, बट मैं इतना सूट नहीं कर पाती हूँ बाहर, क्योंकि मेरे बहुत काम होते हैं ना, मॉल फिर ये सब फ्रूट फ्रूट लेना, ये लेना वो लेना, तो इस वजह से मैं इतना सूट नहीं कर पाती हूँ। बट कोई नहीं, मेरे को ना आजकल ये आईज में मैं कल ड्रॉप लेने गई फिर भूल गई, क्योंकि मैं ये आईज जो है ना, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, थकान की वजह से है या कुछ और, बिकॉज लीक होती रहती है, बिकॉज कुछ गिर गया है या आई डोंट नो क्या हो गया है, तो ऐसा है। और मैं भी खाना खा रही हूँ, बट मैंने जस्ट पानी पिया और ज़्यादा हिचकी आने लगी, और मैंने क्या सोचा, मेरे को आईब्रो भी करवानी है, हर बार आईब्रो करवानी है, कुछ ना कुछ करवाना होता है मेरे को। गाइज मैं 2 दिनों से ना थोड़ा सा बीमार हूँ, तो इग्नोर दिस, पता नहीं थोड़ी सी कमजोरी महसूस हो रही है और कुछ नहीं, बिकॉज मैंने ना बहुत काम कर लिया है इस महीने, इस वजह से जॉब का स्ट्रेस एंड ऑल, ऐसे स्ट्रेस तो कुछ नहीं है बट थोड़ा बहुत रहता ही है, यू नो। आप भी सोचो कि जब खाना खाती होती है तब भी विधि बनाती है, पर क्या करूं मैं, जब खाना खाती हूँ तभी मैं कोई चीज आती है, क्या कर सकते हैं। मैं वैसे बिरयानी खा रही हूँ, सो गाइज ये मैंने घर पे खुद बनाई है, मेरे पास मीट पड़ी हुई थी उसी से बनाई है मैंने मटन बिरयानी, कुकर में बनाया है फिर भी बहुत अच्छी बनी है, लाइक अपनी की तरह बनी है, यू नो। आप भी सोचो कि जब खाना खाती होती है तब भी विधि बनाती है, पर क्या करूं मैं, जब खाना खाती हूँ तभी मैं कोई चीज आती है, क्या कर सकते हैं। इसकी मटन को अच्छे से ना
तीन चार बार आप सॉल्ट के वाटर में धो लो ना, ना अच्छा सा हो जाता है। देखो एक चुटकी में मतलब एक टच में अपने मतलब गल जाता है, जैसे उबालने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कभी कभी हाथ से खाना मजा आता है। वैसे मैं स्पून से ज़्यादा खाती हूँ, बिकॉज मैं कोई यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे नील थोड़े से बड़े होते हैं, तो कभी मैं उससे खाती हूँ स्पून से। बट कभी कभी हाथ से खाने में भी बहुत मज़ा आता है। जो स्वाद हाथ से खाने में मिलता है ना, वो स्पून से नहीं मिलता। ट्राई कर, सब अलग अलग ट्राई करते रहना चाहिए। मेरे को ना कोई भी एक ही चीज़ करते करते मैं ना बहुत जल्दी बोर हो जाए, तो मुझे ना कुछ अलग अलग करने का अच्छा लगता है। मतलब सॉन्ग हो या डांस हो या फिर कुछ और हो, कुछ भी, खाना पीना सब कुछ, मतलब अलग अलग ट्राई करते रहना अच्छा लगता है। स्वाद चेंज करते रहना चाहिए कुछ भी हो। हिचकी चली गई, वाह। तो गाइस मैं खाना फिनिश कर लूँ, बाद में मिलती हूँ, ठीक है? मैं खाना एंजॉय कर लेती हूँ, क्योंकि इसकी तो चल गई है, कैमरा ऑन रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, राइट? आप लोगों को खास करके मेरा हिचकी वीडियो पसंद है ना, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे, राइट? बात तो मैं बाद में भी कर सकती हूँ खाना खा के, पर हिचकी बार बार नहीं आती ना, इसलिए हिचकी कैचअप करने के लिए मैं कैमरा ऑन कर लेती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। ओके गाइस, सो गाइस ये है एक डे क्रीम है, ये जो राउंड वाली है, और ये है विटामिन सी क्रीम, और ये हमारी स्किन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा उपयोगी है। गाइस आप अगर इसको एवरीडे यूज़ करते हो तो आपकी स्किन में कोई भी जात की पिम्पल्स वगैरह नहीं होगा, और मैं इसको यूज़ करती हूँ। गाइज आप भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपको ख़रीदनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बाय बाय एवरीवन।